हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। स्वामी के इस धर्माचरण और उनके त्याग पर आज मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। आज मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाने योग्य हुई। उर्मिला, इतने दिनों तक इस कलंक का बोझ लिए मैं इसलिए तेरे सामने नहीं आई। सुन, आर्य वन जा रहे हैं। हाँ, बड़े भैया, भाभी और लक्ष्मण भैया को लाने। अच्छा? हाँ, सब जाएंगे? सब जाएंगे तो सभी जाएंगे। सारी प्रजा भी उतावली हो रही है, सभी अपने राजा को मनाकर लौटा लाने के लिए साथ जाना चाहती है। और हाँ, आर्य ने नगर में घोषणा भी करा दी है कि जो जाना चाहे साथ चल सकता है। साथ चल सकता है? हाँ, हम भी? अरे हाँ पगले, हम भी। आप साथ जाकर क्या करेंगी? हम वन में कोई भ्रमण के लिए नहीं जा रहे हैं, राम भैया को वापस लाने जा रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रही नाथ, उर्मिला की मौन व्यथा को देखकर हृदय कांप जाता है। यदि आप उसे केवल एक बार लक्ष्मण भैया के दर्शन करा देंगे। तुम एक बार दर्शन की बात कर रही हो देवी, मैं लक्ष्मण को अपने साथ ला रहा हूँ। क्या आप लोगों को मेरे लक्ष्य की सफलता में कोई संदेह है? नहीं स्वामी, नहीं। हम तो क्या, सारी अयोध्या आपकी सफलता के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही है। उर्मिला से कह दो अपने पति के स्वागत की तैयारी करें। अब विरह के दिन समाप्त हो गए, अब श्रीराम के राज्याभिषेक का उत्सव मनाने की तैयारी करो। उस समय हम उनके साथ तमसा नदी तक साथ गए थे, तब वो हमारे साथ छल करके हमें सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। अब हम राजकुमार भरत के साथ जा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे वो? अब हम उनको और राजकुमार लक्ष्मण और रानी सीता को साथ लेकर ही लौटेंगे। हाँ, तब तक हम तुम्हारे लिए सवा मन बतासे के प्रसाद तैयार रखेंगे। हाँ, तू बतासे की प्रसाद तैयार रख, हम अवश्य लेकर लौटेंगे उनको। अरे सुना, श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए भरत सेना लेकर वन को जा रहे हैं। हमने भी सुना है। बापू बापू, राजकुमार भरत श्री राम जी को लेने वन जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि नगर में से जो भी कोई उनके साथ जाना चाहे वो जा सकता है। बापू, मैं भी उनके साथ जाऊं? जा, अवश्य जा, जाकर उनके चरणों में शीश नवाना। अरे, उनके तो दर्शन से भी पुण्य होता है रे। बापू भाभी, राजकुमारों के साथ राजमाताएं, मंत्री, गुरुदेव, सेनाएं सब जा रहे हैं। उनके लिए रास्ता ठीक करने के लिए कारीगर, यांत्रिक, शिल्पी, पेड़ काटने वाले सब दल बनाकर जा रहे हैं। मुझे भी उस दल के साथ जाने की आज्ञा हुई है। तो सबसे पहले तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे ना? हाँ। अरे बिटिया, हमसे तो चला नहीं जाता, नहीं तो तुम्हारे साथ हम अवश्य चलते।
भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, 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 भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। का कहे हो? अयोध्या के राजा भरत बहुत बड़ी सेना लेके चले चले आ रहे हैं। अरे ठीक से पता तो लगाए हो ना? हाँ राजा जी, बहुत बड़ी सेना है, हाथी घोड़ा रथ आगे सूर्य पताका फहरा रहे हैं। भरत, वन में सेना लेके कौन विचार से आ रहे हैं? विचार तो साफ है राजन, कैकेयी के बिटवा है ना, माथा चढ़ाई दी हुई, कहीं राम जी राज का अधिकार न मांगे आ जाए। इस समय वो अकेले है, राम लखन दोनों भाई का जंगल में मार के आपन निष्कंटक राज करेंगे। अरे हमरे होते हुए राम जी की ओर कोई तिरछी नजर से भी देखे तो ओकर आंख निकाल देंगे हम। हमऊ निषाद है निषाद, हाथी घोड़ा पे बैठ के आए वालन को ठठरियो नसीब ना होई। भरत और ओकर सेना के लिए श्रृंगेरपुर को हम जमपुर बना देंगे। राजन, उनकर इतनी बड़ी बेसाल सेना के आगे हमार मुट्ठी भर जोधा कहाँ तक टक्कर ले सकत हूँ? अरे चुप कायर कहीं का, ऐसे नहीं जान प्यारी है तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जा। अरे सामना नहीं कर सकेंगे तो अपने राम जी के लिए मर मिट तो सकेंगे? हम निषादों की लाश पर ही पैर रखकर भरत गंगा पार करेगा। जाओ बजा दो युद्ध का नगाड़ा। मेरे प्यारे योद्धाओं, आज कृपा निधान श्री राम जी के नाम पे मर मिटे की घड़ी आई है। जाना था क्यों? हमरे प्रभु जी तो अयोध्या का राजपाठ एक कई क्षण में भरत लाल का दान कह दिए रहे, पर आज जो है राजा भरत अपन पूरी सेना लाई के निकल पड़ा है हमरे श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी का वन में घेर के मारे के बदे। ऊ समझे हुई है कि ऊ वन में अकेले है। अरे ऊ कैकेयी का बिटवाई ना ही जानत है कि राम के नाम पे प्राण बलिदान करे वालन से ही भूमि भरी पड़ी है। आज बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आई है, आज बहुत बड़ी शक्ति से लोहा लेकर है। हम गंगा मैया की सौगंध उठाए के कहत हैं कि हमरे जीते जी राम जी का शत्रु गंगा पार नहीं कर सकेगा। गंगा के सारे घाट को घेर लो, जंगल की झाड़ियों में धनुष्वान और खड़ग उठाकर मोर्चा जमा लो। गंगा मैया की धवल धारा रक्त से लाल कर देंगे, भरत की सेना के रंड मुंड आज गंगा में बहेंगे। वीरो याद रखना, युद्ध में मरना और हो गंगा जी के तट पर, और वो भी प्रभु श्री राम जी की रक्षा में। अरे जीतेंगे तो श्री राम जी की सेवा करेंगे और मरेंगे तो सीधे मोक्ष मिलेगा। किंतु भरत तो क्या,
स्वयं काल भी राम जी की ओर आगे बढ़ा तो काल के लिए भी हम निषाद काल बन जाएंगे। हाँ हाँ, हम काल के लिए काल बन जाएंगे। हमरे जीते जी भरत गंगा पार नहीं जा सका था। तो सब बोलो श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। निषाद योद्धाओं आगे बढ़ो। ठहरो राजन ठहरो, बिना शगुन विचारे जोश में मतवाले होकर कूच कर जाओगे। हाँ, ई हमसे भूल हो गई, कारण समय कम है। परंतु बिना विचारे कार्य में पछताना भी पड़ता है। हमारा शगुन आपके विचार से विरोध में कह रहा है। पहले भरत से मिल लियो, जान लियो उनके मन का भाव क्या है। हमारे विचार से युद्ध की नौबत ना आई। आपका ही विचार है तो हम उसी अनुसार कार्य करेंगे। युद्ध में तो कभी कौनों का भला हुआ ही नहीं। योद्धाओं, तुम सब जाकर गंगा के घाटों में डट जाना और झाड़ियों में छिपे रहना। हम जाए के भरत जी से भेंट करेंगे, भेद जान लेंगे उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपताए, हमार संकेत होने पर ही घात करना, समझे? सावधान रहना, कहीं राम का मित्र समझकर पीछे से अकस्मात वार न कर दे। आप चिंता जिन करो राजा जी, अगर किसी ने आप पर आग भी उठाई तो हम वो आंखों निकाल देंगे। कुमार, ये श्रृंगवीरपुर है, यहां के राजा निषाद राज गोह है, वो श्री राम के परम भक्त, पर श्रीराम उन्हें अपना मित्र और सखा मानते हैं। क्या श्रीराम उन्हें अपना मित्र मानते हैं? तब तो वो मेरे लिए भैया राम के समान है। आर्य सुमंत, मुझे उनके शीघ्र दर्शन कराइए। अयोध्या के राजा भरत कुमार को निषाद गुह का जोहार। राजा हमार जोहार। लो, वो स्वयं आ गए। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण में प्रणाम करता हूं। अयोध्या के राजा, आप ही का कह रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं नहीं मोर भैया, हमसे भूल हो गई। हम तुम्हारा अपराधी हैं भरत भैया। हमारे मन में जाने का विचार उठत रहे तुम्हारे। भरत भैया हमको क्षमा कर दियो, हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के लिए हमारे मन में कैसन विचार उठत रहे। हम बहुत बड़े पापी हैं भरत भैया, हमसे पाप हो गया, हमका क्षमा कर दो भैया, हम आपका जाने नहीं। आप तो सचमुच राम का दूसर रूप है। बिल्कुल वही राम भैया जैसा स्नेह है आपके हृदय में। शत्रुघ्न, इनके चरण छू, यही राम भैया से कहे कि हमें क्षमा दिला सकते हैं। नहीं कुमार, नहीं नहीं। जोहार मंत्री जी, श्री राम जी सच्चे कहत रहे कि हमार भरत बहुत महान है ना? भैया मुझे याद कर रहे थे? हाँ, बहुत बहुत याद करत रहे। घास के बिछौने पे सोए सोए सारी रात आपे की बातें करत रहे। घास के बिछौने पर? भैया घास के बिछौने पर सोए थे? हाँ, वो देखिए, वो जौन वट वृक्ष के नीचे घास का बिछौना है ना, उसी पर भैया राम
और मैया सीता पूरी रात सोए रहे। भैया और भाभी सूखी घास पर सोए? हाँ कुमार जी, हमार प्रभु श्री राम ही यही सोए हुए थे। हमार बिछौनों नहीं लिहन और हमार परोसा हुआ भोजनों नहीं खाए, कंदमूल खाए और गंगा जी का जल पी के अपन पेट भर लिया। और दूसरे ही दिन नंगे पैर ही चित्रकूट की ओर चल दिए। हाय रे अभागे भरत, भैया सूखी घास पर पड़े रहे और तू महलों के रेशमी बिछौनों पर सोता रहा। आर्य सुमंत, यहां से मैं भी पैदल नंगे पांव चित्रकूट तक जाऊंगा। जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग खाए, धिक्कार है ऐसे सेवक पर, धिक्कार है। वाह भरत वाह, तेरे जैसा राम भक्त इस संसार में दूसरा नहीं होगा। हमने भरत जैसे महात्मा पर व्यर्थ ही संदेह किया। ऐसा परम त्यागी महात्मा इस धरती पर युगों युगों में जन्म लेता है, इतना विशाल साम्राज्य तिनके के समान त्याग दिया। विधि के खेल निराले हैं, कैकेयी जैसी विषैली बेल पर अमृत जैसा फल कैसे पैदा हुआ। कैकेयी के तो कलंक लगना ही था, जो उसने कुंवरी के बहकावे में आकर के इतने बड़े अनर्थ का कारण बन गई। न जाने विधाता ने कौन से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कैकेयी की बुद्धि हर ली। और नहीं तो क्या, क्या वो अपने जाए बेटे को नहीं जानती थी, या वो राम से स्नेह नहीं करती थी, या अपने पति का मंगल नहीं चाहती थी। परंतु इसीलिए तो कहा गया है, जही विधि दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले हर ले ही। अब कितना पछता रही है बिचारी। गंगा तीर पावरी त्यागी, नंगे पाँव चला रे बैरागी। सिद्ध भज जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब विधि का खेल है। तुम अपने मन से ग्लानि को निकाल दो। मेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसकी ग्लानि मन से कैसे जा सकती है। मुनिवर, अयोध्या के राजवंश पर ऐसी विपत्ति का समय पहले कभी नहीं आया। विपत्ति के समय ही किसी जाति या वंश की सभ्यता और संस्कृति की परीक्षा होती है। भरत, तुम दोनों भाइयों के त्याग ने इन विपत्ति के क्षणों को रघुकुल की कीर्ति का अवसर बना दिया है। हे महर्षि भरद्वाज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैया राम मेरे हृदय के भाव को पहचाने और मेरा यह प्रयास सफल हो। चिंता न करो वत्स, जो कुछ भी होगा उसी में जगत का कल्याण निहित है। सदानंद, देखो महर्षि वशिष्ठ की पूजा वंदना समाप्त हुई, हम उनके दर्शनों को जाना चाहते हैं। आज मैंने एक बहुत विचित्र सा स्वप्न देखा है। क्या सीते? मैंने देखा जैसे भरत जी समाज सहित यहाँ आए थे, सबके मुख मलिन और मन दुखी लग रहे थे।
यह स्वप्न तो शुभ नहीं दिखाई देता। मुझे भरत की चिंता है, वो हमारे विरह में रोगी भी हो सकता है। भाभी, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूं। लक्ष्मण, शीघ्र वापस आना, हम कुछ चिंतित हैं। सीता ने एक दो स्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न भाभी? यही कि भरत दुखी है। उसे काहे का दुख, उसका तब तक राज अभिषेक हो गया होगा, राजा बनकर आनंद से रह रहा होगा। तुम उसे नहीं जानते लक्ष्मण, वो मुझे इतना अधिक स्नेह करता है कि उस पगले ने राज्याभिषेक भी रो रो कर कराया होगा, माता और पिताजी की आज्ञा से विवश होकर। भैया, आप सबको अपने जैसा सीधा और सरल समझते हैं। लक्ष्मण बचपन से भरत से लड़ाई करता रहता है। उन दोनों में आपके स्नेह के लिए स्पर्धा है ना? क्या यही चित्रकूट है? जी। तो जाने भैया राम की कुटिया कहाँ होगी? आप चिंता मत करें कुमार, हम मनई भेजे, अभिनय पता लगाए के आ जाए। कुमार, 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 मैंने श्री राम की कुटिया ढूंढ ली है। उनकी कुटिया इसी स्थान पर है, वो पेड़ों का झुरमुट दिखाई देता है ना, ठीक उसकी दूसरी तरफ। वो इस समय राजकुमार लक्ष्मण और देवी सीता सहित वहाँ विराजमान है। क्या भैया विराजमान है? चलिए गुरुदेव, आप ये चढ़ाई शीघ्रता से चढ़ नहीं पाएंगे, आप माताओं को लेकर धीरे धीरे आइए, बाकी सब लोग यहीं विश्राम करेंगे। आइए चलिए। भैया, क्या हुआ लक्ष्मण? आ गया, अपने साथ सेना भी लाया। इन फूलों को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ गया है। अच्छा हुआ, वो खुद चलकर आ गया, आज मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या, भरत आया है? कहाँ है? चित्रकूट तक आ गया है। मुझे वन में भील और कौल मित्रों ने आकर कहा, अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखा तो मुझे सच सेना दिखाई दी, अपनी सूर्य पताकाएं लहरा रही थी, साथ में घोड़े और हाथी भी थे। इसका अर्थ है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण किस पर? आप पर। और किस पर? राज्य पाकर उससे राज का मत संभाला नहीं किया। किसी ने बुद्धि दी होगी कि मूर्ख, इस राज पर तो असली अधिकार श्री राम का है, और श्री राम प्रजा को प्यारे भी हैं। एक न एक दिन ये प्रजा तुझसे राज छीनकर श्री राम को दे देगी। बस उसने सोचा होगा इस समय दोनों भाई वन में निस्सहाय अवस्था में अकेले हैं, दोनों को समाप्त कर अपना राज निष्कंटक कर लूं। उसे नहीं पता था कि अभी तक मैं कुछ जीवित है। क्या नरगल बातें कर रहे हो लक्ष्मण, भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों, क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी मां की बुद्धि इतनी कुटिल हो तो उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? यदि उसके हृदय में कपट नहीं होता तो अपने साथ हाथी घोड़े और सेना लेकर नहीं चलता। भैया, भरत आपकी दृष्टि में एक साधु पुरुष हो सकता है, लेकिन राजमत पाने के बाद राज का मत किसी से सहा नहीं जाता। अरे मानव तो क्या, इंद्र जैसे देवता भी राजमत के नशे में चूर होकर उचित और अनुचित भूल जाते हैं। आज राज शक्ति के नशे ने भरत को अंधा कर दिया है। वो आपको निस्सहाय बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों से शपथ खाता हूं, यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं सच्चा रघुवंशी हूं, तो आज वे दोनों रणक्षेत्र में मेरे हाथों मारे जाएंगे। जिस तरह एक सिंह हिरणों के झुंड को कुचल देता है, उसी तरह मैं उसकी चतुरंगिणी सेना का नाश कर दूंगा, तभी यह मेरा धनुष धारण करना सार्थक होगा। भैया, यदि आज भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए आ जाए तो मुझे राम की दुहाई है, मैं भरत को जीता नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
लक्ष्मण सावधान, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए, जिससे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है इसका विचार करके ही युद्ध के लिए धनुष उठाओ, क्योंकि युद्ध में सर्वदा हानि अधिक होती है, लाभ कम होता है। लक्ष्मण, यह आकाशवाणी सुनी तुमने? जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप संदेह कह रहे हैं? कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपथ का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या, त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। आपके इसी साधुपने में हमने अपने हाथ में आया हुआ राज छोड़ दिया। सारी प्रजा आपके साथ थी, आपका एक संकेत होता तो प्रजा महाराज को आपका राज अभिषेक करने में विवश कर देती। और प्रजा के बल पर मैं अपने पिता का वचन झूठा कर देता? लक्ष्मण, पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही न रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा? यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। और यदि तुम्हें राज्य की लालसा है तो मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं लक्ष्मण, मेरे एक संकेत मात्र से भरत वो राज्य तुम्हें दे देगा। नहीं भैया, नहीं, मुझे राज की अभिलाषा नहीं। परंतु यदि भरत के मन में पाप हुआ तो, यदि उसने प्रहार किया तो? तो उसी को प्रहार करने दो, वो हमारा राजा है, हम अपने राजा के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। भैया, 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 मैं आपकी शरण में आ गया हूं। भैया, आपकी शरण में आ गया हूं। जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई है उसे भाई मत कहिए, मैं अब इसका अधिकारी नहीं। भाभी, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए। भाभी, मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया हूं।
आप सबकी ये दशा देखने से पहले तो अच्छा होता कि मुझे मृत्यु आ जाती। नहीं देवा जी, ऐसा ना कहिए। प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम कर। मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं मूर्तिमान पाप हूं, जिसके कारण भैया, भाभी और तुम्हारी यह दशा हुई है। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? वो बाण चला देते तो मेरा बहुत बड़ा उपकार करते। फिर मैं भैया के सामने अपना एक कलंकित मुंह लेकर तो नहीं खड़ा होता। मेरी कुलघातिनी माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। भरत, माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो, मेरी कैकई माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। भैया, इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है, मेरे सब दोष क्षमा कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने ही तो आपकी शरण में आया हूं। धीरज से काम लो भरत। भैया, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। न बुझाए